यूपी में क्या स्वाति सिंह के रूप में बीजेपी को नई राजपूत नेता मिल गई है? क्या बीजेपी ने गाली कांड को भुनाने की रणनीति बना ली है? ये सवाल यूपी बीजेपी चीफ के ताजा बयान के बाद उठ रहे हैं। बीएसपी चीफ मायावती को गाली देने वाले दयाशंकर सिंह की पत्नी स्वाति सिंह को बीजेपी टिकट दे सकती है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि स्वाति सिंह को जरूरत पड़ने पर चुनाव लड़ाया जा सकता है। केशव प्रसाद मौर्य ने स्वाति की जमकर तारीफ की है। बहुत एक वो तेजस्वी महिला की तरह उन्होंने अपने बेटी के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए संघर्ष के लिए मैदान में आगे आई हैं और मैं उनकी सराहना करता हूं। जरूरत होगी तो निश्चित तौर से लड़ाएंगे, लेकिन अभी ये लड़ाने और न लड़ाने का विषय नहीं है। तो जरूरत होगी तो जरूर लड़ाया जाएगा, लेकिन ये कहा जा रहा है अभी लड़ाने या ना लड़ाने का विषय नहीं है। लेकिन सवाल तो हो गया है कि क्या स्वाति सिंह के रूप में अब बीजेपी को नई राजपूत नेता मिल गई है? क्या इस पूरे मामले को, गालीकांड को भुनाने की रणनीति बना ली गई है? क्योंकि हम शुरुआत में अगर देखें तो बीजेपी बैकफुट में आई थी इस मामले में। इसके बाद बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से नारेबाजी की थी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी को घेरने की भी उस वक्त कोशिश हुई थी, गिरफ्तारी की मांग हुई थी। इसके बाद बीजेपी ने प्रदर्शन किया था और साफ तौर पर स्वाति सिंह ने कहा था कि अपमान हुआ है उनका और उनकी बेटी का। दिनेश सिंह हमारे साथ है। दिनेश, कैसे अब स्वाति सिंह को आगे करके कहीं ना कहीं इस मामले को भुनाने की कोशिश होगी और अपने तरफ इस मामले को मोड़ने की कोशिश होगी? सियासी तौर पर कैसे बीजेपी फायदा उठाने की कोशिश कर सकती है? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन लोगों ने वार्ता की और उसके बाद में साफ तौर पर स्वाति सिंह की तारीफ उनके सामने कशीदे करे और ये कहा कि जिस तरीके से उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है उसको भी भाजपा एक बड़ा मुद्दा मान और आने वाली 28 तारीख को इस मसले पर लखनऊ में एक बड़ा पार्टी की होगी, कार्यकर्ताओं की बैठक भी होगी जिसमें नसीमुद्दीन की गिरफ्तारी के अलावा और सारे मसले तय किए जाएंगे। हो सकता है कि उस दिन स्वाति सिंह को भाजपा में शामिल करने की कवायद पूरी। चलिए, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस पूरे मामले के सामने आने के बाद बीजेपी ने दयाशंकर को पार्टी से निष्कासित कर दिया था 6 साल के लिए और इसके बाद जब बीएसपी ने प्रदर्शन किया था उस वक्त अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया था दयाशंकर की पत्नी और बेटी के लिए, जिसके बाद दयाशंकर की पत्नी स्वाति सिंह सामने आई थी और FIR भी दर्ज कराई गई थी। तो स्वाति सिंह बीजेपी के पूर्व नेता दयाशंकर सिंह की पत्नी है। दयाशंकर सिंह ने मायावती पर अभद्र टिप्पणी की थी। टिप्पणी के बाद बीजेपी ने दयाशंकर को पार्टी से निकाल दिया। बीएसपी के विरोध प्रदर्शन में दयाशंकर के परिवार के खिलाफ अभद्र बयान सामने आए। स्वाति सिंह ने बीएसपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। स्वाति, मायावती और नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ जबरदस्त अटैक उन्होंने किया। कहा कि अपमान हुआ है उनका, गिरफ्तारी की मांग लगातार की जा रही थी नसीमुद्दीन सिद्दीकी के। तो मायावती को भी उन्होंने कई बातें इस पूरे मामले पर कहीं कि महिला का सम्मान, एक महिला के लिए एक सम्मान है, दूसरे के लिए क्या वो चीजें नहीं मायने रखती हैं। इस तरह की तमाम चीजें भी स्वाति सिंह की तरफ से अपने स्टेटमेंट पे कही गई।